श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लील जो लज्जत सबए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 32वां प्रकरण अब परमधाम की सामग्री विशेष विशेष उसको यहाँ स्पष्ट करके बता रहे हैं और ये भी समझाना चाहेंगे कि परमधाम की सामग्रियां भले देखने में अलग अलग हो किंतु मूल रूप से तो एक ही रत्न है। जैसे किसी सोने के वहाँ पर जाएंगे ज्वेलर्स के वहाँ पर तो कितनी वैरायटी होगी ज्वेलरी की। किसी को चैन बोलेंगे, किसी को रिंग बोलेंगे, किसी को कुछ और नेकलेस बोलेंगे, किसी को और कितने उसके वैरायटी होगी। किंतु उन सब के मूल में क्या है? सोना है। सोने से ही तो ये अलग अलग बने। तो यहाँ ये बात समझाना चाहते हैं कि देखो जितने माहौल मंदिर सामग्रियाँ जो कुछ भी है मूल रूप से देखेंगे तो एक रत्न ही है। इसलिए एक जवेर का अरस ऐसा करके कहा। यहाँ देखना बाब का अर्थ होता है प्रकरण, अरस अजीम का श्रेष्ठ धाम परम धाम का प्रकरण है। तो वो ये प्रकरण कैसा है? अरस परम धाम के मता सामग्री को जाहिर किया, परम धाम की सामग्री को प्रकट करने वाला बताने वाला प्रकरण है। तो उसका फिर उसका तात्पर्य बता रहे हैं, यानी एक जवेर का अरस। मूल रूप से एक ही जवार आता है, एक ही रत्न है और उसी में अलग 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 दिखाई दे रहे हैं, उसमें से ही ये बताना चाह रहे हैं। गई व बातें बकार सके कहूँ सुनी न एते दिन परम धाम की गूढ़ बातें। गई व तो ऐसी जो दिखती नहीं, परोक्ष दिखती है वो अलग वस्तु होती है। जैसे किसी को भी ऐसा अंगूठी दिखेगी उसमें सोना नहीं दिखेगा। हाँ तो कोई भी बोलेंगे क्या है तो अंगूठी बोलेंगे, ये क्या है चैन बोलेंगे। तो कोई नहीं बोलता है कि सोना है, बोलता है तो सोना है दिख रहा है फिर भी नहीं दिखता है। तो ऐसा ऐसी चीज़ों को परोक्ष जो दिख नहीं रहा है थोड़ा ध्यान दे करके देखना पड़ता है, ऐसों को भी गायब बोलेंगे। तो ऐसी बातें बकारस की परम धाम की कौन सुनी नहीं थी दिन, अभी तक ये सुने नहीं थे। हम आए अर्श अजीम से करे जायर हकवत, न हम परम धाम से आए हैं इसलिए परम धाम को प्रकट कर रहे हैं। दुनिया में अभी तक परम धाम की बातें सुनाई नहीं दी थी। दुनिया 14 तबक की सब दौड़ी बुद्ध माफक, 14 लोग की दुनिया सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार दौड़ पड़ी। सुरैया को उलंघ के किन पाया न वह कहा का, किसी ने भी इस ब्रह्मांड में तो ब्रह्मांड में भी 14 लोग से ऊपर जाते हैं तो क्या आता है? तो गायत्री ज्योति स्वरूप, ज्योतिष ज्योति स्वरूप, फिर गायत्री, ये अलग अलग स्थान आएंगे। तो पहले तो अष्टावरण के बाद में ज्योति स्वरूप आएगा ना। तो इस प्रकार से ऐसी चमकने वाली चीज़ हैं तो उसको सूर्या कह दिया, तो इसको ज्योति, तो हम इसको समझ लें कि ज्योति स्वरूप। ये कहते परंपरा में बस कोई चमकने वाली चीज़ें दिखी बस उससे आगे अब कुछ नहीं है, तो वो चमकने वाली वही सब कुछ है ऐसा मान लिया।
पढ़ पढ़ वेद कतेब को नाम धरे आलम, वेद कतेब को पढ़ करके लोग विद्वान, आलम बोल रहे हैं यहाँ, आलिम है ये ना, तो नीचे हम है उसके लिए उसको अपरास मिलाने के लिए आलम, आलिम होता है मूल रूप से। तो एति खबर किन ना पड़ी, कहाँ साहेब कौन हन, हम पढ़ पढ़ करके विद्वान बहुत हुए हैं किंतु किसी को ये पता नहीं चला कि हम कौन हैं और परमात्मा कौन है। ऊपर तले माए बाहर, ये जो कादर की कुदरत, ऊपर तले माए बाहर, कहीं भी देखो तो ये परमात्मा की सृष्टि है। सो कादर काहु न पाइए, पाइया जिनके हुक्म में ए होवत, जिनके आदेश से सारी सृष्टि बनी है, वो परमात्मा कादर समर्थ उसको बोलते हैं। तो ऐसे समर्थ परमात्मा कहाँ है किसी को पता नहीं चला। ए गुज भेद जो गई बका पाया न चौदह तबक, ये जो परोक्ष गुह भेद है जो आँख से नहीं दिखता है, समझेंगे तो समझा जाएगा, तो उसको दुनिया में 14 लोक में किसी ने नहीं पाया। कथा कथा सब खाली गए पर छुटी न काहू सक, कहते हुए व्याख्या करते हुए समझाते हुए गए लोग किंतु सब खाली चले गए, किसी की शंका का निराकरण नहीं हुआ। ए तले ला मकान के चार चीजें जीवी आसमान, ला मकान कहेंगे तो शून्य, तो शून्य निराकार के नीचे जितने भी ये भूमि हो या आसमान हो, ज्यो कबूतर खेल के आखर फना निदान, चार चीजें ये बताई ना, तो चार चीज कहने से तो शून्य, शून्य को कते परंपरा में तो क्या बोलेंगे, बस शून्य कहने से आकाश बोल दिया, और उससे नीचे की चीजें तो पांच तत्वों में चार बची ना, तो इसलिए ये बता रहे हैं वो चार चीजें। वैसे तो पांच तत्व हो गए, तो आकाश को शून्य बोल देते हैं, तो उसमें ऐसा ऐसी व्याख्या है नहीं कि पांच तत्व अलग अलग हैं, तीन गुण अलग अलग हैं, तीन गुण और पांच तत्वों के मिश्रण से फिर ये अलग अलग प्रकार की सृष्टि बनती है, तो वो जड़ चेतन, तो उनका उसमें ख्याल नहीं है। ज्यों कबूतर खेल के आखर फना निदान, जैसे खेल के कबूतर जादुई कबूतर हों, उस प्रकार से वो थोड़ी देर दिखे और फिर कहाँ उड़ गए पता ही नहीं चलेगा। मोहे मेहर करी रू अल्लाह ने, कुंजी अरस्य के ले आए, मुझे सतगुरु ने कृपा की और परमधाम से कुंजी ला करके मुझे थमा दिया। अरस बका पट खोल के इलम दिया समझाए, तो मुझे तो सारे पट खोल दिए, अखंड धाम के अरस बक्का, बक्का अखंड, अरस धाम, तो अखंड धाम के पट खोल दिए और ज्ञान दे करके मुझे सब कुछ समझा दिया। गिरो उतरी लैलर कदर से, कहिया तीन में का है तू, ये भी समझा दिया कि जो लैलतुल कदर में ये दिव्य धाम की आत्माएं अवतरित हुई है उनमें से तू है। खोल दे पट अरस का, ज्यो आए मिले तुझको, तो ऐसे बहुत लोग आए हैं, गिरोह मतलब ऐसी आत्माएं बहुत आई है दुनिया में, और वे सब तुमको आकर के मिलेंगे। तो जैसे मैंने तुम्हें पट खोल करके समझा दिया, ऐसे तुम भी परमधाम के पट खोल कर समझा दो, लोग तुम्हें आकर के मिलते रहेंगे और उनको बताते रहना, ऐसा करके मुझे सदगुरु ने आदेश दिया। जो अरवाह अरस किस्सो आए मिलेगी तुझे, जो परमधाम की आत्माएं होंगी वो आकर के तुझे मिलेंगी। तुझे अंदर मैं आई या एक है फुरमाया मुझे, तो मैं भी तुम्हारे अंदर आ जाता हूँ, इस प्रकार से मुझे फुरमाया आदेश दिया। किन कायम अरसन पाया, ये गुज थी रही बात, किसी ने भी अभी तक अखंड धाम को प्राप्त नहीं किया, ये बात सबके लिए गूढ़ ही रह गई थी, रहस्यमयी बनी थी। अब तुम उमत जगाए अरस की, अब तुम परमधाम के
आत्माओं के समूह को जागृत करके बीच बका हक जात, तो अखंड धाम के हक जात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं, तो उनको जागृत करके ये बात समझा दे। और करी मेहर मोहम्मदे अंदर बैठे आए। अब ये सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को भी रूह अल्लाह को भी मोहम्मद ही कहा है, तो इस प्रकार से तो मुझे समझाया और दूसरी कृपा मुझ पर क्या की, तो अंदर आकर के बैठ गए। अब यहाँ कई लोग बोलेंगे कि मोहम्मद ने भी कृपा की और सदगुरु ने रूह अल्लाह ने भी कृपा की, तो बोल सकते हैं बोलना चाहें तो, किंतु वो सब अलग तो है नहीं, तो एक ही मोहम्मद उनको ही कहेंगे जो खुदा जिनकी प्रशंसा करे उनका काम करने वाले। वो तो उन्होंने एक दायित्व श्यामाजी को सौंपा है, तो श्यामाजी ही सदगुरु बन करके आई और वही प्राणा जी के हृदय में भी बैठ करके सबको जागृत करेंगी। तो इसलिए ये कहते हैं, एक तो मुझे सदगुरु बन करके जागृत किया और फिर वो मेरे हृदय में आकर के बैठ गए, दूसरा कार्य ये किया। कई विध करी बक्का रोशनी सो इन जुआ कहीं न जाए, इस प्रकार उन्होंने कई प्रकार से परमधाम को प्रकाशित किया, परमधाम को समझाया, उसके विषय में युवा से वर्णन नहीं हो सकता है। चौदह तबक कर कायम अभिष्ट द्वार दीजो खोला, तो उन्होंने यह भी कहा कि चौदह लोक को अखंड बनाना है और अभिष्ट के द्वार खोल देना है, तो तुम्हें करना है। ये मैं साहेब के हुकुम से अवल किया है कौल, अक्षराते धामधनी के आदेश से ही मैंने पहले ये बातें बता दी है। सो ढूंढो प्यारी उम्मत मेरे हक जात निश्वत, इसलिए प्यार उस उम्मत को, आत्माओं को, उन आत्माओं को, समूह को ढूंढो जो मेरे हक जात निश्वत, तो ये मेरे धनी मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंगनाएं हैं। और वो निश्वत कहने से न निश्वती ब्रह्म आत्माएं जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है, तो वो निश्वती है। तो निश्वत कहने से संबंध होता है, निश्वती कहेंगे तो ब्रह्म आत्माएं होगी, तो जिनका संबंध अक्षरातीत से है तो वो निश्वती है। तो जो निश्वत का प्रकरण आता है ना, तो संबंध का प्रकरण ऐसा बोल देते हैं, किंतु वास्तव में वो ब्रह्मात्माओं का ही प्रकरण है, निश्वती की ही बात है। जो रूहें भूली वतन ताए देव हक बका नियमत, जो परमधाम की आत्माएं अपने धाम को भूल गई है उनको अखंड धाम की संपदा प्रदान करके जागृत करते हैं। निमुना इन जीमी का हक को दिया न जाए, इस दुनिया का उदाहरण परमात्मा के लिए दिया नहीं जा सकता। पर कछुक तो कहे बिना गैब की क्यों समझाए, किंतु कुछ कहे बिना ये परोक्ष बातें वो समझ में कैसे आएगी। ज्यों जड़ा एक माहौल है जबेर जड़े कई संग, अब वो परमधाम का वर्णन कर रहे हैं जो भूमिका बना करके ना अब विषय वस्तु पर आ रहे हैं। एक अर्श एक जबेर का बता रहे थे ना, तो एक रत्न का, तो वो कह रहे हैं ज्यों जड़ाव एक माहौल है, जैसे एक माहौल है उसमें अलग अलग रत्न दिखाई देते हैं। जबेर जड़े कई संग, कई अलग अलग प्रकार के रत्न, जैसे एक सोने में अलग अलग जड़े हुए होंगे तो कैसा लगेगा, तो उस प्रकार से एक ही रत्न पर अलग अलग प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं, इस प्रकार से समझ लो, ऐसा कह रहा है। कुंदन माए शोभित नए नए अनेक रंग, जैसे कुंदन में अलग अलग रत्न जड़े हुए हों, तो उस प्रकार से एक ही रत्न में ये अलग अलग रत्न दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य। जैसे इसके लिए कहा था एक ब्लैक स्टोन आता है ग्रेनाइट ही, तो उसमें वो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, तो वो लगता है कि देखने से ना वो जब पॉलिश होता है उसके बाद में, तो छोटे छोटे तारे जैसे
छोटे बड़े ऐसे चमकते हैं। अब वो प्राकृतिक रूप से बनावट में ही है, तो किसी ने उसमें डाला नहीं है, जैसे पत्थरों में डालते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं तो उसमें अलग अलग बेल बुट्टे वाले दिखाई देते हैं, वैसे ये कुदरती है, प्राकृतिक रूप से ही है। इसमें तो एक ही रंग का हो गया गोल्डन का, यदि उसी में अलग अलग प्रकार के रंग का होता तो अलग अलग प्रकार के रत्न जड़े वो उसमें रंग होंगे, तो एक ही पत्थर है और उसमें अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, तो परमधाम इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो एक ही रत्न का है किंतु उसी में अलग अलग प्रकार के रत्न दिखाई दे रहे हैं। ये सब एक जवेर का अरस है, ये धाम एक ही जवाहरात का है, तामे कई उठत तरंग, उसमें अलग अलग रंग होने से उन रंगों की तरंगें उठती रहती है। जुदे जुदे रंगों झरोखे अनेक भात झलकता, तो इस प्रकार से झरोखे हैं वो अलग प्रकार से दिखाई देंगे, मंदिर है अलग प्रकार से, स्तंभ अलग प्रकार से, ऐसे ही अलग अलग प्रकार से दिखाई देंगे। अनेक भात झलकता, विविध रंग के दिखाई देंगे, उनकी चमक होगी। अनेक रंग थम्बन में, अनेक सीढ़ियाँ पाठशाला, अनेक रंग हैं उनके स्तंभों के हैं, सीढ़ियाँ में अनेक है, अनेक रंग हैं, पाठशाल है उसमें अलग रंग है, कई रंग भूम चबूतरे, भूमि का है, भूमि है, चबूतरे हैं, कई रंग द्वार दीवाल, द्वार के अलग रंग है, दीवाल के अलग रंग है, इस प्रकार से अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। इन विद समझो अरस को, एक जवेर कई रंग, तो ऐसे समझना चाहिए परमधाम को कि जवाहरात एक ही है, रत्न एक ही है, उसके रंग अलग अलग हैं। द्वार दीवाले पड़सालें और स्तंभ उठत तरंग, इसी के कारण द्वार से अलग रंग निकलता है, दीवाल से अलग, पड़साल से अलग, थम्मों से सबसे अलग अलग रंग की तरंगें उठती रहती है। जित जैसा रंग चाहिए तहाँ तैसा ही देखत, जहाँ जैसा रंग होना चाहिए न वहाँ वही दिखाई देता है, इसलिए सब जगह एक ही है ऐसा नहीं है, जैसा चाहेंगे वही दिखाई देगा, तो ये विशेषता है, वो चेतन होने से ऐसा होता है। ना समारे नए किन, ना पुराने पेखत, ना तो बनाया गया है नया, ना कोई पुराना है, जो है वही है, जब जैसा दिखना चाहिए वैसा ही दिख जाता है। जवेर जुदे जुदे शोभिता, अनेक रंग अपार, तो ये रत्न है अलग अलग प्रकार के शोभा दे रहे हैं, अनेक रंग अपार, अनेक रंग के अपार रत्न है ऐसे। एक जवेर को अरस है, जो रंग रस बन विचार, तो वैसे तो एक ही रत्न का है परमधाम, किंतु उसके अलग अलग रंग, अलग अलग रस, उससे आनंद आता है ना देखने से, तो इसी प्रकार से ऐसे बने हुए हैं, तो ये विचार करके देखो तो पता चल जाएगा। वन सवे एक रस हैं, तो वन एक ही प्रकार के हैं, वृक्ष तो वृक्ष ही होता है, फिर भी कई रंग वृक्ष अनेक, वृक्ष भी अनेक हैं और उनके रंग भी अलग अलग मिलेंगे। रंग रस स्वाद जुदे जुदे, और सबके रंग अलग हैं, रस अलग अलग है, स्वाद अलग अलग है, कहाँ लूं कहूँ विवेक, कहाँ तक कहूँ, हर जाते हैं, कई वृक्ष हैं, कई रंग रस निर्मल अनेक, हर जाति के वृक्ष मिलेंगे। जितनी ये वैरायटी है वो एक की ही है, किंतु अलग अलग वैरायटी दिखाई देती है। रंग रस निर्मल अनेक, रंग और रस उनमें सब में वो एक ही है, तो वो निर्मल ही है। स्वाद अलग ही अपार है, स्वाद अलग अलग आता है, पर असल बन रस एक, असल में तो बन वृक्षों का रस है, फलों का, वो एक ही है, तो इसीलिए कहते हैं जैसे अमृत वन में गए और आम का फल खाने की इच्छा हुई, तो इच्छा हुई तो हाथ में भी आ गया,
और स्वाद लेने लगे तो उसमें यदि जाम्बू का स्वाद लेना हो तो मन में आया तो उसमें से जाम्बू का स्वाद भी आ जाएगा। तो ये परमधाम की ही विशेषता है, दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए भरोसा नहीं होता है। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा लगेगा, किंतु परमधाम में ऐसा होता है, वो असंभव भी संभव है। गृदार शके देखिया, जहाँ लो नजर पहुँचे तो चारों तरफ परमधाम में देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो जहाँ तक दृष्टि पहुँचती है एक अलग छतरी बना की छेदर ना गहरा कित, तो वहाँ वृक्षों की शाखाएं ना ऐसी जुड़ी हुई तो वो एक छत्र बनी हुई है, तो कहीं वो गहरी भी नहीं है और कहीं ऐसे वो अलग अलग जैसे उसको क्या बोलेंगे छिछला भी नहीं है, तो छिछला भी नहीं है और एकदम गाढ़ भी नहीं है, तो एक जैसा ही है। ज्यों जड़ाव एक चंद्रमा जवेर जड़े बहुविध, जैसे एक ही चंदवा वैसे छाया हुआ है तो उसमें अलग अलग प्रकार के रंग और अलग अलग प्रकार के बेल बुट्टे वगैरह हों, इस प्रकार का लगता है। बन बेली कटाव कई शोभित सोने की सनंद, तो उसमें ये वृक्षों की ही ऐसी चित्रकारी है, लता वगैरह हैं, उनके पात पत्ते हैं, फूल हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की चित्रकारी है, जैसे तो सोने में अलग अलग प्रकार की चित्रकारी की हुई हो ना, तो इस प्रकार का लगेगा। अनेक रंगों जबेरा जो जिन रंग शोभित है, अनेक रंग के रत्न हैं, जो जिस प्रकार से जिस जो रंग जहाँ सुशोभित होता हो वहाँ उसी प्रकार का रंग है। तीन ठौर बने तीन मिसलें कई हुए कटाव जुगत, तो जहाँ जो रंग सुशोभित होता हो वहाँ वही रंग बना हुआ है, उसी प्रकार से वहाँ पर कारीगरी है। कटाव का तात्पर्य कार्विंग, जैसे वो चित्रकारी है उसी प्रकार की है। एक झिमी जरे की रोशनी मावत नहीं आकाश, वैसे देखा जाए तो परमधाम के एक कण का प्रकाश है वो भी आकाश में समाता नहीं है। तीन झिमी के जवे रखो क्यों कर कहूँ प्रकाश, उस भूमि के रत्न की बात करेंगे तो कितना प्रकाश होता होगा। अब एक ही प्रकाश होगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए ये वैरायटी है, ये होनी चाहिए। तो ये वैरायटी परमधाम की ही है। तो दुनिया में जो दिखती है तो दुनिया में तो ये तो देखने के लिए है, यथार्थ में वैरायटी है वो परमधाम की है। परमधाम की वैरायटी समझ में आ जाए उसके हिसाब से दुनिया में भी वैरायटी है। ए चंद्रवा वन का नूर रोशन ग्रदवाए, ये वन में वन का चंद्रवा है वो चारों तरफ है और उसमें से प्रकाश ही प्रकाश निकलता है। तले झिमी अति रोशनी, उसके नीचे की भूमि को देखेंगे तो उसमें भी प्रकाश निकलता है। ए ऊपर वन शोभा, ये ऊपर वृक्षों के शाखाओं के चंदवा बने वहाँ तक वो प्रकाश पहुँचता है और ऊपर का प्रकाश नीचे भी आता है और ऊपर आसमान में भी जाता है। जरे जरा सब नूर में छज्जे दीवाल सब नूर, तो एक एक कण है ना उसमें सब में प्रकाश है, छज्जे दीवाल सब में प्रकाश है। जिमी बन बीच आकाश में भूमि हो वृक्ष हो और वो आकाश के बीच में भूमि और आकाश के बीच में वृक्ष खड़े हैं ना, तो उनमें भी प्रकाश दिखाई देता है। मावत नहीं जहूरा, उनका प्रकाश भी कहीं समाता नहीं है। शोभा जानवर अरश के ताके एक बाल की रोशन, तो परमधाम के जानवर ये परमधाम के पशु उनके एक बाल का प्रकाश है तो उसका भी पारावार नहीं है। मावत नहीं आकाश में जुवा क्या करे सिफत है ना, तो ये जुवा इनका इनकी प्रशंसा इनकी महिमा क्या बताए, इनकी प्रशंसा क्या करे, तो इनका कोई पारावार ही नहीं है, तो ऐसा बोल देते। सिफत ना हो एक बाल की तो क्यों हो सिफत वजूद, जब एक बाल की भी विशेषता नहीं बताई जा सकती है तो पूरा शरीर उनका उसके क्या विशेषता बताएं।
ए कहने में ना आवता तो क्यों कहे जुआ नाबुद। तो ये कहने में आने वाली बात नहीं है, तो ये नश्वर शरीर की जीवा है, ये क्या बता पाएगी। इसलिए तुम आत्मा भाव से समझ लो तो समझ पाओगे, ऐसा कहना चाह रहे। तभी यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो क्यों कहे जुआन बुदा, सिफत न होए एक बाल की। तो क्यों होए सिफत बजूदा, कहे जुआना बुदा, तो क्यों कहे जुआना बुदा।